देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जैसा कि सुदर्शन न्यूज नॉर्थ ईस्ट की खबरों को प्रमुखता से दिखाता है, उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे नेस्ट फेस्ट 2024 की, जिसने दिल्ली एनसीआर में पूर्वोत्तर छात्रों का स्वागत किया। इस साल के उत्सव में विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के रंजन सिंह की उपस्थिति रही, जिसमें सरकार की पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के कल्याण और एकीकरण के लिए प्रतिबद्धता को बल मिला। नेस्ट फेस्ट छात्रों और दिल्ली वासियों के लिए एक वार्षिक आकर्षण बन गया है, क्योंकि ये देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकीकरण को बढ़ावा देता है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से माई होम इंडिया सांस्कृतिक अंतराल को पाटने और घर से दूर छात्रों के लिए एक समावेशी माहौल बनाने का प्रयास करता है। किस प्रकार रहा पूरा कार्यक्रम, इसके लिए आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, देखिए उनकी खास रिपोर्ट। अभी हमारे साथ कुछ दिल्ली की निवासी है, हाय, इन लोगों से जानते हैं। आप लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज इस मंच पे नॉर्थ ईस्ट फेस पे पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की पूरे अलग अलग लोग यहाँ एक ही मंच पे एक ही साथ देख के सुन के आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसा कि आपने बताया कि हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में पहले काफ़ी सुने हैं और देखे भी हैं, और हम सारे कल्चर्स को एक साथ आज स्टेज पे देख पा रहे हैं, तो हमें कैसा फील हो रहा है? जैसा कि मैं अपने ऑन बेसिस एक्सपीरियंस से बताऊं, तो मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं वहां पे टोटल 21 स्टेट्स के स्टूडेंट्स थे, तो सेवन सिस्टर जैसे नॉर्थ ईस्ट को कहा जाता है, तो सेवन सिस्टर्स लाइक ये लोग का जो अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स है, नागामीज, आसामीज, ये लोग के जो मतलब डिफरेंट ड्रेसेस कल्चर, ये हमें बहुत अच्छा लगता है, और ये सब पूरा एक लघु भारत हमें देखने को मिलता है स्टेट का, जो इंडिया का एक पूर्वोत्तर इलाका है, जो हम उनसे वंचित रह जाते हैं, उन्हें हम एक साथ एक स्टेज पे देख पाते हैं। और माय होम इंडिया का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो एक पूर्वोत्तर भारत को एक साथ एक मंच पे सभी को एक साथ प्रदर्शित करता है और सभी को एक इनके बारे में जानने का एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है। धन्यवाद। असम की कल्चरल डांस रूप से हम भी इन लोगों से कुछ खास बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ माई होम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में आके एक कल्चरल डांस करने आए हो, तो आप लोग कौन सी थीम पे डांस करने वाले हो? हम लोग बिहू करने वाले हैं। ओके, तो आप लोगों की क्या संदेश है? सॉरी, व्हाट इज योर मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री? ओके, आप लोग देखिए, अच्छा लगेगा, हम लोग का कल्चरल डांस है ये। अरुणाचल प्रदेश वेयर द फर्स्ट रे ऑफ द राइजिंग सन सेट्स इट्स फुट. The Northeast, which in many ways is the gateway of India, in many ways the powerhouse of India, a land which has tremendous culture, landscapes, natural beauty, but beyond its natural beauty and its culture and its landscape, a land that really embodies India's true power. Historic Landmark Day. An historic landmark day, not only for the Northeast, but for all of India. Not only for all of India, but for all of the global South. The exposition that has been put together at the NEST Fest, the Northeastern Student Festival, is truly world class. We have seen from the dances of Arunachal, in the coming hours, the music of the Northeast, a fashion show expositioning the handloom and textiles of the Northeast, and therefore it is a kaleidoscope and a mosaic that has been put together. I would like to congratulate my home, India. It's seventh year running in putting together this exposition. And it is a tremendous effort in terms of the goal that we have of Ek Bharat, Shreshth Bharat. Thank you very much. Thank you. You are the donor minister, so ek hi din mein aapko puri notice logo ke ek hi saath ek hi manch pe milke aapko kaise lag raha hai? Hum aapse khas jana chahte hain. Ek bahut hi adbhut bhavna man mein utpann hui hai. Ek taraf pradarshan dekhte hue aur dusre taraf हमारे नौजवानों की उत्साह को देखते हुए, और यही नौजवानों की उत्साह एक चिंगारी है भारत को विश्व पटल पर निखारने की, केवल एक आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं लेकिन एक आध्यात्मिक शक्ति भी।
Bharat's economic power is growing, but Bharat's soft power is also growing across the world. Thank you very much. अभी हमारी साथ श्री सुनील देवधर जी, द फाउंडर ऑफ माय होम इंडिया, हमारे साथ खास बातचीत में हम जानना चाहते हैं, आप सेवन टाइम यू आर ऑर्गेनाइजिंग दिस नेस्ट फेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स इन दिल्ली, तो आप इस हर साल ऐसे कुछ नया चीज़ें लाते हैं, तो इस साल की 2024 की क्या खास थीम है सर? इस बार की जो थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत की है, इसमें 75% परफॉर्मेंसेस नॉर्थ ईस्ट के है और 25% परफॉर्मेंसेस देश के अन्य राज्यों के हैं, जैसे सिखों का भांगड़ा हो गया, ओरिसा का एक डांस हुआ, एक झारखंड के आदिवासियों का नृत्य हुआ। इसमें और एक विशेषता थी, ये जो महाराष्ट्र का मल्लखांब है, जो एक बहुत ही थ्रिलिंग और जिसे अच्छा एक्सरसाइज होता है ऐसा जो खेल है, उस खेल का जिन्होंने पूरे दुनिया में प्रचार किया, ऐसे देशपांडे जी को, उदय देशपांडे जी को मोदी जी ने इस बार पद्मश्री दिया। उदय देशपांडे जी समर्थ व्यायाम मंदिर के बच्चों को लेकर आए थे और उन्होंने यहाँ पर मल्लखांब दिखाया। और गौरतलब बात यह है कि उनमें दृष्टि दिव्यांग, जो नेत्रहीन है, देख नहीं सकते हैं, ऐसे लड़के और लड़कियों ने रोप के ऊपर और पिलर के ऊपर मल्लखांब दिखाया। अभी फैशन शो होगा जिसमें नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स उनके पारंपरिक पोशाक में कैटवॉक करेंगे और फिर म्यूजिकल इवनिंग होगी जिसमें सारा जो ये अपना तालकटोरा स्टेडियम है वो झूम उठेगा और देश की एकात्मता के नारे लगेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। हम यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट फेस 2024 में है, जो दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट से आए स्टूडेंट्स का स्वागत किया जाता है। इस इवेंट का आयोजन माय होम इंडिया द्वारा किया जाता है, जिसे सुनील देवधर जी ने स्थापित किया है। ये वाइब्रेंट सेलिब्रेशन नए स्टूडेंट्स को दिल्ली एनसीआर में पढ़ने के लिए आने पर एक अपना पान और सहायता प्रदान करने के लिए आयोजन किया जाता है। कल्चरल परफॉर्मेंस से लेकर अलग अलग सेशंस ये इवेंट को एक खुशी और समावेशी माहौल क्रिएट करता है, जिससे इन स्टूडेंट्स को अपने नए एनवायरमेंट में एडजस्ट करने में सहायता मिलती है। चलिए फेस्टिवल्स को एक्सप्लोर करते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट से सुनते हैं और समझते हैं कि माय होम इंडिया कैसे भारत में एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को परोन्नति करने का काम कर रहा है। अभी हमारे साथ कुछ मिजोरम के बच्चे हैं, हम इन स्टूडेंट से जानना चाहेंगे, आप लोग ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में आके आपको कैसे महसूस हो रहा है? हम यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और बाकी भी सब कुछ अच्छे है हम लोग और सब कुछ मस्ती में है। आप मिजोरम से हैं, मिजोरम लोग बहुत ही कम हिंदी भाषा बोलते हैं, फिर भी आप लोग यहाँ आके पूरे नॉर्थ ईस्ट निवासियों को एक ही साथ में यहाँ कार्यक्रम रखते हुए देख के आपको क्या फील हो रहा है? माय होम इंडिया को क्या कहना चाहोगे? माय होम इंडिया को मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आके हम लोग दिल्ली में रह के हिंदी भी सीख गया और बाकी और जैसे कि यहाँ का कल्चर भी हम लोग को बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। आए इनसे भी जानते हैं, जो मिजोरम के बच्चे हैं यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, इन लोगों से जानते हैं माय होम इंडिया की ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा और मैं मिजोरम से हूँ, यहाँ पे माय इंडिया में पार्टिसिपेट लेने के लिए आया हूँ। सो व्हाट डू यू वांट टू से टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस इवेंट? बहुत ही अच्छा है। अभी हमारे साथ कुछ मणिपुर से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, इनसे जानते हैं ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल को लेकर इनकी क्या प्रतिज्ञा है? Well, I've been really enjoying the event so far. There have been many dances and other different cultural traditions that have been showcased to us. So I've been learning a lot about different cultures as well. And since I'm from Manipur, we don't get too much exposure from different states and their cultures, right? So I've learned a lot from this event. All right. What do you like to convey to the organizers, My Home India? What do you like to convey to the organizers, My Home India? Well, I'd like to thank them for organizing this wonderful event and giving not only students from Manipur but also other people from India and different cultures the
chance to learn about different cultures and the cultures that are present in Manipur. Main Tujhe Talna Cross Darshan News Channel ke liye with camera person Jitu ke sath Nayi Delhi se. Ye main dil se kehna chahta hu jo main 2004 mein parliament mein bolta tha aur aaj main wahi baat ko phir se dohrana chahta hu. जब मैं नया नया एमपी बनकर के पार्लियामेंट गया तो उसमें आधा से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का टोटल 8 स्टेट का नाम तक नहीं मालूम, उनका राजधानी का नाम नहीं मालूम, तो वहां का जाति वहां के लोगों के बारे में कैसे पता होगा. मैंने उस समय देश के प्रधानमंत्री, उस समय सरकार में जो लोग थे उनको कहा, पुकार पुकार के कहता था कि भारत सरकार को लीड रोल लेना चाहिए. ये नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली आता है तो ऐसा लगता है कि कोई दूसरा देश में चले गए, और यहाँ के लोग जब नॉर्थ ईस्ट आते हैं तो सोचता है कि हम कहाँ पहुंच गए. उस समय कई नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ में यहाँ भेदभाव भी हुआ था. आज मैं देश का एक मंत्री के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एक नागरिक के हिसाब से कहना चाहता हूं, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक कंसेप्ट शुरू किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लगा करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आगे रखने का काम शुरू किया है. इसलिए हम कहते थे पार्लियामेंट में कि आप लोग क्यों कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इज पार्ट ऑफ इंडिया. कभी आपने सुना था कि पार्लियामेंट में कि पंजाब इज पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु इज पार्ट ऑफ इंडिया, ये नहीं कहते थे. लेकिन कहते थे अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया. तो हमने कहा नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल इटसेल्फ इज इंडिया. ये देश है, वही देश है. हम किसी मेन स्ट्रीम में जुड़ने का जरूरत नहीं है. हम जहां खड़ा है वही मेन स्ट्रीम है. हम जिस जगह रहते हैं वही भारत है. कोई दूसरा को ये भारत का हिस्सा कहने का कोई आवश्यकता नहीं है. हम बराबर है, और हम जहां खड़ा है जिस गांव में रहता है वही हिंदुस्तान का दिल है. हमने उस समय कहा. इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जब मुझे जिम्मेदारी दिया, मोदी जी का सरकार का पहला काम में मुझे होम मिनिस्ट्री में काम करने का जिम्मेदारी दिया, हमने सबसे पहले कदम क्या उठाया, दिल्ली जो देश का राजधानी है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट का लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, हर साल लाखों नॉर्थ ईस्ट के लोग कैपिटल है, इसलिए यहाँ आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, कुछ भी काम के लिए आते हैं, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए. ये आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी में हुआ, और वही निर्देश दिया कि शहरों में खास करके दिल्ली के अंदर में पुलिस को सेंसिटाइज करना चाहिए, और हमारा नॉर्थ ईस्ट को लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए. तब हमने दिल्ली पुलिस का रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करके 1000 से ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न के लड़के लड़कियों को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया. अभी हमको कोई घटना देखने को नहीं मिलते हैं, या घटना हो भी जाता है तो उसका तुरंत कार्रवाई किया जाता है. जहां भी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स का कोई प्रॉब्लम होता है तुरंत हम लोग संपर्क करके दिल्ली पुलिस में स्पेशल पुलिस सेल, उसका स्पेशल अलग से ऑफिस बनाया, ये करके संपर्क करने लगा. और हमारा नॉर्थ ईस्ट का उस समय जितना टॉर्चर होता था, जितना तकलीफें होते थे, आज वो नहीं होते हैं. इंसिडेंट कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन अगर इंसिडेंट होता है तो उसको कार्रवाई भी होता है. उसी प्रकार से जब हम लोग नए नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, हमारे नॉर्थ ईस्ट को लोग डरते थे, वहां पूछते थे हमको कि नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए मन तो है लेकिन वहां इतना आतंकवादी उग्रवादी, इतना मिलिटेंसी है, कैसे जाएंगे, ये पूछते थे लोग. तो हमने कहा कि नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर जगह है, नॉर्थ ईस्ट जरूर जाके देखना चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में
जो विशेष परिस्थिति बनाया हुआ है उसको ठीक करना होगा। आप सबको मालूम है 2014 से लेकर के अभी तक 10,000 से ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले अपने हथियार के साथ सरेंडर करके वापस मेनस्ट्रीम में आया है। यही आप मेनस्ट्रीम कहते हैं, देश का मुख्य धारा, समाज का मुख्य धारा। तो उस समय नॉर्थ ईस्ट से छोटे छोटे ट्राइब्स, छोटे छोटे कम्युनिटी का अपना विशेष प्रॉब्लम होता है। दिल्ली में कोई सुनने वाला नहीं था उस समय, यहाँ के होम मिनिस्टर को छोड़ दीजिए, उस समय होम सेक्रेटरी को छोड़ दीजिए, एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनका भी बात मत कीजिए, एक डेप्यूटी सेक्रेटरी का पास भी टाइम नहीं होते थे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मिलने के लिए। हमारे नॉर्थ ईस्ट से डेलीगेशन आते थे दिल्ली में, 10 दिन 15 दिन वेट करता है दिल्ली में, अपॉइंटमेंट देता ही नहीं था भारत सरकार में काम करने वाले लोग। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे युवा बहुत मायूस होते थे और कुछ लोग वापस गए और हथियार उठा करके जंगल चले गए। उस जमाने में नॉर्थ ईस्ट के लोगों का दर्द को समझने वाला सुनने वाला दिल्ली में कोई नहीं था, इसलिए इतना मिलिटेंसी पैदा हुआ नॉर्थ ईस्ट में। दुनिया में जितना मिलिटेंसी है और मिलिटेंसी का टोटल ग्रुप्स है, सबसे ज्यादा संख्या नॉर्थ ईस्ट में क्यों पैदा हुआ उस समय, क्योंकि दिल्ली में जो दरबार को संभालने वाले लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोई इज्जत नहीं देते थे, या कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के विशेष करके छोटे छोटे लोगों का सबका बात सुनता था, इसलिए 10,000 से ज्यादा मिलिटेंसी में काम करने वाले लोग छोड़ के वापस हमारे मुख्य धारा में आए हैं। पिछले 10 साल में इतना काम हुए, हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एयरपोर्ट बन गए हैं, रेलवे लाइन जुड़ गए हैं, हाईवे बन गए, गांव का रास्ता बन गया, बिजली पानी सब पहुंच गए। लेकिन मणिपुर के अंदर में हमारे दो समुदाय के बीच में जो घटनाएं हुए हैं उससे हमारे नॉर्थ ईस्ट के छवि में जो 10 साल प्रोग्रेस हुए हैं उसमें बहुत बड़ा धक्का लगा है, और हमारे भारत सरकार ने जो मेहनत किया है उसको भी बहुत चोट पहुंचाया है, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स का फेस्टिवल का माहौल है। मैं विशेष करके मणिपुर के हमारे चाहे कुकी कम्युनिटी के हमारे भाइयों और बहनों को भी और मैते कम्युनिटी के भाइयों और बहनों को भी मैं कहना चाहता हूँ, भारत सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आप हथियार छोड़ना होगा, हथियार उठा करके कोई सोल्यूशन नहीं होगा, बातचीत करके ही हम सोल्यूशन हो सकते हैं। कुछ भी हो लेकिन एक दूसरे को मारा मारी नहीं करना है, हथियार नहीं उठाएंगे, बातचीत करके नेगोशिएशन टेबल में आएंगे तो हम पीस कायम कर सकता है। जो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट 10 सालों में हुआ है इतिहास में कभी नहीं हुआ है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है। तो ऐसा समय में हमारे मणिपुर के जितने भी लोग हैं हथियार छोड़ के वायलेंस छोड़ना चाहिए और शांति से एक दूसरे के साथ बातचीत करके हमको फिर आगे बढ़ना है। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जितना अपना अपना स्टेट में जहाँ से आए हैं वहाँ इसका मैसेज पहुँचाना चाहिए। मोदी जी ने वोट संख्या नहीं देखा, किस स्टेट में कितना एमपी है नहीं देखा, उन्होंने ये सोचा कि जो भी आज तक मौका नहीं मिला, जो जो कम्युनिटीज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी जिसको मौका नहीं मिला उसको मौका देना चाहिए, और जिसके पास टैलेंट है उसको आगे काम करने का मौका होना चाहिए, यही सोच के साथ काम किया है। इस देश का पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एक माइनॉरिटी है, और मैं पहले लॉ मिनिस्टर भी रह चुका हूं, इसलिए मैं कहता हूं कई चीज है हम लोगों को पता होना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी के जमाने में हमारा ऑफिस खुला है और माय होम इंडिया के साथ आप सबको जुड़ना बहुत जरूरी है। आप सब ने यहाँ आए और ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल
एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारा के साथ आप लोग यहाँ आए हैं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। द नॉर्थ ईस्ट विच इन मेनी वेज इज द गेटवे ऑफ इंडिया, इन मेनी वेज द पावर हाउस ऑफ इंडिया, a land which has tremendous culture, landscapes, natural beauty, but beyond its natural beauty and its culture and its landscape, a land that really embodies India's true power, and that true power is my youth sitting in this stadium here today. सुदर्शन न्यूज़।